हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है जो मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट, स्लेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो बहुत बार क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, उनकी एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम विक्टोरियन, रेनेसा और एलिजाबेथन एज से रिलेटेड जो राइटर्स हैं उनको फोकस रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विच वन इज द अनफिनिश्ड नॉवल ऑफ चार्ल्स डार्किन, चार्ल्स डिकिंसन? चार्ल्स डिकिंस का अनफिनिश्ड नॉवल कौन सा इनमें से है? तो इनका फ्रेंड्स एक नॉवल था एडविन ड्रूड, इसका फुल टाइटल था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इज द फाइनल नॉवल बाय चार्ल्स डिकिंस है। चार्ल्स डिकिंस है वो विक्टोरियन नॉवलिस्ट था, बहुत फेमस नॉवलिस्ट है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ मेजर और राइटिंग्स के बारे में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ ए साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड टुवर्ड स्टडिंग द बाइबल, सीन एज ए मेयर टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री एंड नॉट एन इनफेलेबली सीक्रेट डॉक्यूमेंट? तो साइंटिफिक स्टडी थी किसकी? बाइबल की। ये किस पे हुआ था? ये हुआ था हायर क्रिटिसिज्म, मतलब एक ऐसी टर्म थी जिसने इनकी साइंटिफिक स्टडी है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हायर क्रिटिसिज्म थी। हायर क्रिटिसिज्म क्या होता है, हमने न्यू क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल इंक्वायरी और साइंटिफिक बिब्लियोग्राफी तो पढ़ा है। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, ऑल्सो नोन एज द हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड और हायर क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। इज ए ब्रांच ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इन्वेस्टिगेट्स द ओरिजिन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट, मतलब एंशियंट टेक्स्ट की ओरिजिन है ना उसकी इन्वेस्टिगेट करता है। इसको बोलते हैं हम द वर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट, द वर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ वाल्डावा इन द क्रीमियन वॉर फाइंड्स इट्स रेफरेंस इन द पोएम। तो बैटल ऑफ वाल्डावा है ना, ये एक बैटल हुआ था क्रीमियन वॉर के दौरान, और वो था ब्रिटेन और रशिया के बीच में। तो उसमें जो पोइम है ना, जो वो लिखी गई थी अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा, और इसका नाम है चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये एक बेलार्ड फोरम है फ्रेंड्स, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है किस बैटल को ये इंडिकेट करती है। तो ये क्रीमियन वॉर का था और क्रीमियन वॉर में स्पेशलाइजेशन था इसका, बैटल ऑफ वाल्डावा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेनिसन रोट सेवरल पेट्रियोटिक पोइम्स अंडर वेरियस सुडोनिम्स, बहुत सारे सुडोनिम्स के द्वारा उसने पोइम लिखी, पोइट्री लिखी। स्कॉलर स्पेक्युलेट दैट टेनिसन क्रिएटेड इज पेन नेम, अब हमें ये पता नहीं है कि उसका पेन नेम क्या था। द पोइम वॉज रिटन आफ्टर द लाइट कैवलरी ब्रिगेड सफर्ड ग्रेट कैजुअलिटीज इन द बैटल ऑफ वाल्डावा, मतलब उनको मॉरल सपोर्ट करने के लिए ना उस लाइट ब्रिगेड को टेनिसन ने ये पोइम क्रिएट की थी कंपोजिशन के लिए। जॉन फोरफैक्स फेयर फैक्स एंड फ्रैंक चर्चिल आर करेक्टर्स फ्रॉम द नॉवल, ये दोनों किस नॉवल में करेक्टर्स है? तो इम्मा है जेन ऑस्टिन का, उसमें है ए नॉवल अबाउट यूथफुल हैबिट्स एंड रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय जेन ऑस्टिन। इम्मा एक नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है, पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, 1876 में ये इम्प्रेस बनी थी, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है इंडिया का। व्हाट डिड थॉमस कार्लाइल मीन बाय क्लोज दाई बायरन ओपन दाई क्लोथ? बायरन ने रोमांटिसिज्म के ऊपर लिखा है, इसको बोला है क्लोज करो, ओपन दाई गोथ। और गोथिक नॉवेल्स थे जो, मतलब जो भूतिया वगैरह इंसिडेंट्स होते थे, लॉन्ग टनल्स होती थी, डार्क सीन्स होते थे, उसको इन्होंने कहा है कि उसको आप इन्वेस्टिगेट करो, उसको ओपन करो कार्लाइल ने। तो हम देखते हैं कि ये क्या था वास्तव में। अबंडन द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड टर्न टू द हायर मॉरल पर्पस फाउंड इन गोथ, गोथ में जो मॉरल पर्पस फाउंड था, मॉरल पर्पस थे उसकी, मॉरलिटी थी, हायर मॉरलिटी थी, उसको फाइंड करना है। तो ये इस वर्ड का मीनिंग है, ये किसने कहा था? थॉमस कार्लाइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। अब गोथ है जो था ना, वो एक राइटर था, जर्मन पोइट था, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, साइंटिस्ट एंड स्टेट्समैन, थिएटर डायरेक्टर एंड क्रिटिक। क्लोज दाई बायरन ओपन दाई बायरन, सो
कार्लाइल्स बर्न से पेपर बाय कार्लाइल, ये इसकी सब टाइटल है, याद रखना, ये तो इसकी टाइटल थी, ये इसकी सब टाइटल है, कार्लाइल्स बर्न से पेपर बाय कार्लाइल। नेक्स्ट है, कोक टाउन इज एन इमेजिनरी इंडस्ट्रियल टाउन इन द नॉवल फर्स्ट, कौन से नॉवल में ये इंडस्ट्रियल टाउन था? तो ये चार्ल्स डिकिंस का एक नॉवल था हार्ड टाइम्स, जो कि, और हार्ड टाइम्स का जो टाइटल है ना फुल, वो ये है, फॉर दीज टाइम्स, हार्ड टाइम्स मीन्स दीज, इसका जो टाइटल पूरा ये है, कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम्स इज द 10th नॉवल बाय चार्ल्स डिकिंस है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1854, द बुक सर्वेज इंग्लिश सोसाइटी एंड स्टेराइज द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द एरा, मतलब हार्ड टाइम्स में क्रिटिसाइज किया गया सोसाइटी की जो बैड कंडीशन है उसको। एलिजाबेथ बैरेट्स पोएम द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन इज कंसर्न विद विच मेजर इश्यू अटेंडेड ऑफ द टाइम ऑफ ट्रबल्स ड्यूरिंग द 1830s एंड 1840s, कोई मोजी मेजर इश्यूज है जिसके बारे में एलिजाबेथ बैरेट की पोइम है, क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये चाइल्ड लेबर पे कंसंट्रेटेड है फ्रेंड्स। देख लेते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से, द एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन इज पैशनेट इंडक्टमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर इन 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, ये तो होना ही था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो चाइल्ड लेबर बढ़ेगी। फर्स्ट पब्लिश इन 1843 एंड लेटर रिवाइज मल्टीपल टाइम्स है, द पोइम कैप्चर्स द इमोर्टलिटी ऑफ एक्सप्लोइटिंग चिल्ड्रन एज वर्कर्स एंड कंडम्स बोथ द पीपल एंड सोसाइटल इंस्टीट्यूशन से दैट अपहोल्ड चाइल्ड लेबर एज प्रैक्टिस, जिन्होंने चाइल्ड लेबर्स को फेमस बना दिया, मतलब प्रैक्टिस में आने लगी, तो उनको क्रिटिसाइज करता है। हु वाज अपॉइंटेड एज पोर्ट ल्यूरेट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये टेनिसन था, अल्फ्रेड लेड टेनिसन, 1815 में ये बनाया गया था। टू होम डिड द रिफॉर्म बिल 1832 एक्सटेंडेड द वोट ऑन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, 1832 का रिफॉर्म बिल अब बहुत फेमस है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, इसने लोअर मिडिल क्लास को यहाँ पे वोटिंग का राइट दिया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, रिप्रेजेंटेंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1832, ऑल्सो नोन एज द रिफॉर्म एक्ट 1832, ग्रेट रिफॉर्म एक्ट और फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट है, वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट इंट्रोड्यूस्ड मेजर चेंजेस टू द इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये इंग्लैंड और वेल्स दोनों के लिए था। इट अबोलिस्ट टाइनी डिस्ट्रिक्ट्स, गेव रिप्रेजेंटेंस टू सिटीज, गेव द वोट टू स्मॉल लैंड ओनर्स, मतलब यहाँ पे लगता है कि मिडिल क्लास है, टेनेंट फार्मर्स है, शॉपकीपर्स है, हाउस होल्ड्स है, हु पेड ए अर्ली रेंटल ऑफ 10 पाउंड और मोर, मतलब ये 10 पाउंड की भी कंडीशन थी, एंड सम लॉजर्स हैं, ओनली क्वालिफाइंग मैन वर एबल टू वोट, कुछ क्वालिफाइंग करने वाले थे उन्हीं को दिया गया था। The Act introduced the first explicit statutory bar to women voting by defining a voter as a male person. तो ये था 1832 का रिफॉर्म एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, मोड इज ए पोइम रिटन बाय टेनिसन की एक बहुत फेमस पोइम है मोड, ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं मोड क्या थी। मोड पोइम बाय टेनिसन कंपोज इन 1854 एंड पब्लिश्ड इन मोड एंड अदर पोइम्स इन 1855, द पोइम्स सेड और मॉर्बिड नरेटर, मतलब वो जो दुखी नरेटर है, टेल्स हिज फादर सुसाइड फॉलोइंग फाइनेंशियल रून, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल रून की वजह से उसके फादर ने सुसाइड किया था। लोनली एंड मिजरेबल ही फॉल्स इन लव विद मोड द डॉटर ऑफ वेल्दी नेबर हु लेड हिज फादर इन टू बैंक्रप्सी, ठीक है, बैंक्रप्सी में ले गई थी वो लड़की जिसने इस लड़के से लव किया। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड एनार्की के थ्रू हमें वो एजुकेशन देता है आर्नोल्ड। मेजर वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म बाय आर्नोल्ड पब्लिश्ड इन 1869, इन इट आर्नोल्ड कंट्रास्ट कल्चर विच ही डिफाइंस एज द स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टडी बोल दिया इसने, विद एनार्की द प्रीवेलेंट मूड ऑफ इंग्लैंड देन टू न्यू डेमोक्रेसी विच लैक्स ए स्टैंडर्ड्स एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो इसने यहाँ पे एजुकेट ही किया है, सोसाइटी हो, अनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया इज रैन वाज सेलिब्रेटेड। गोल्डन जुबली कब थी? तो 50 ईयर पे इन्होंने ये सेलिब्रेट किया था। किसके? क्वीन विक्टोरिया के रैन पे। 1837 में ये सिंहासन पे बैठी थी, थ्रोन्ड हुई थी और 1887 में इसने सेलिब्रेशन मनाया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसको एक्सप्लेनेशन में, द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज सेलिब्रेटेड इन 20 एंड 21 जून ऑफ 1887 टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया एक्सेशन ऑन 20 जून 1837 में। इट वॉज सेलिब्रेटेड विद थैंक्स गिविंग सर्विस एट वेस्ट मिनिस्टर एबे एंड ए बैंकट टू विच 50 यूरोपियन किंग्स एंड प्रिंसेस वर इन्वाइटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूरोपियन जो लीडर्स थे ना, जो प्रिंसेस थे, किंग्स थे, उनको बुलाया गया था, वो थे 50। नेक्स्ट बात करते हैं, विच रूलर्स रेन मार्क्स द अप्रोक्सीमेट बिगनिंग एंड एंड ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा है वो विक्टोरियन क्वीन के वजह से जाना जाता है, तो क्वीन विक्टोरिया थी वो 1837 टू 1901 में, 01 तक इसकी रेन रही थी, इसका टाइम स्पान था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ गास्कल्स नॉवल हैज बीन कॉल्ड ए विक्टोरियन मच अडो अबाउट नथिंग। तो इसका एक नॉवल है क्रैनफोर्ड, क्रैनफोर्ड इन एपिसोडिक नॉवल बाय मच इंग्लिश राइटर एलिजाबेथ गॉस्कल। ये एक एपिसोडिक नॉवल है, ठीक है, एपिसोड्स में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट्स स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव। ये बड़ी फेमस फिल्म हुई थी फ्रेंड्स, शेक्सपियर इन लव, लो बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा भी गया इसको, तो किसने इसको बनाया था, किस इंग्लिश प्ले राइट ने इस फिल्म को किया था? तो टॉम स्टूपर्ड ने इसको बनाया था। बात कर लेते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी। शेक्सपियर इन लव इज ए 1998 रोमांटिक पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय जॉन मेडन, रिटन बाय मार्क नॉर्मैन एंड प्ले राइट टॉम स्टूपर्ड। मतलब दो लोगों के द्वारा ये लिखी गई थी, टॉम स्टूपर्ड और इसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय हेनरी वेंस्टीन द फिल्म डिपिक्ट्स ए फिक्शनल लव अफेयर। याद रखना ये फिक्शनल लव अफेयर है, शेक्सपियर का कोई ऐसा अफेयर नहीं था ना हमें पता। अफेयर इन्वॉल्विंग प्ले राइट विलियम शेक्सपियर का, और इसकी एक्टिंग किसने की थी? जोसेफ फिन्स ने और वोयला डी लेस्पिस ये इसकी हीरोइन थी शेक्सपियर की। और इसका एक्टिंग किसने की थी? इसकी गाइनेथ पेल्ट्रो ने इसकी एक्टिंग की थी। वाइल शेक्सपियर वॉज राइटिंग रोमियो एंड जूलियट, और शेक्सपियर है ना इस फिल्म में रोमियो एंड जूलियट लिख रहा था, उसी दौरान इनकी ये लव स्टोरी डिवेलप होती है। सेवरल कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फिगर्स एंड मेनी ऑफ कैरेक्टर्स आर लाइन्स एंड प्लॉट डिवाइसेस एल्यूड टू शेक्सपियर प्लेज। मतलब शेक्सपियर की जो प्लेज है ना, वहीं से इस स्टोरी को इनबिल्ट किया गया, कुछ है तोड़ तोड़ के बनाया गया है। तो याद रखना रोमियो एंड जूलियट इस फिल्म में शेक्सपियर कंपोजिशन कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम टेनिस प्रिंसेस, टेनिसन की प्रिंसेस जो बुक है, जो पोइट्री है, वो बहुत फेमस है। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हाउस या हर्थ है। और आगे क्या है, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल, ये रहा नीडल है, सी नीडल सी। मैन विद द हेड एंड वुमेन विद द हार्ट, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे। तो ये इसकी फुल कंपोजिशन है, ठीक है, फुल सेंटेंस हो गई ये ली हुई द प्रिंसेस में से। वट इज कॉमन अमंग डिजी रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी एंड मॉरिस एंड स्विनबोर्न। तो ये सारे है ना इसके लीडर्स तो थे ही, आर्टिस्ट हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही है। दे एक्सटेंडेड द आइडल्स ऑफ प्री रेफलेट आर्ट ऑफ लिटरेचर, इन्होंने एक्सटेंड किया था इसको, ठीक है। द प्री रेफलेटिज्म वॉज ए काउंटर कल्चरल मूवमेंट द अटेम्प्ट टू रिफॉर्म विक्टोरियन आर्ट एंड राइटिंग। मतलब विक्टोरियन आर्ट और राइटिंग था ना, उसको रिफॉर्म करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट ओरिजिनेटेड विद द फाउंडेशन इन 1848 ऑफ द प्री रेफलिट ब्रदरहुड PRB। इसकी फाउंडेशन की वजह से है ना ये मूवमेंट चला था, और ये एक आर्टिस्ट का मूवमेंट था। वट टाइप ऑफ राइटिंग डिड वॉल्टर पीटर डिफाइन एज द स्पेशल एंड ऑपरट्यून आर्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स इसमें ये होगा नॉन फिक्शनल प्रोज, क्योंकि वॉल्टर पीटर ने प्रोज लिखे हैं और उसने
प्रोज के ही लिए ही ये लाइन बताई है, तो यहाँ पे ये गलत है, नॉवल नहीं है, नॉन फिक्शन प्रोज है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोविंग अवेयरनेस इन द लेट विक्टोरियन पीरियड ऑफ इमेंस ह्यूमन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कॉस्ट ऑफ रनिंग एन एम्पायर कंट्रीब्यूटिंग प्रोसेस में, तो क्या इवेंट सीजन के कंट्रीब्यूशन था? इंडियन म्यूटिनी इन 1857 में थी, द बोर वॉर इन साउथ अफ्रीका ये भी था, जमैका रिबेलियन इन 1865, ये तीनों ही इवेंट इसकी वजह से अवेयरनेस फैली विक्टोरियन एज में। ये तो सच है कि इंडिया में इसकी वजह से अवेयरनेस आई, लोगों में पेट्रोटिज्म फीलिंग्स ज़्यादा हुई, तो यहाँ भी हुई होगी, यहाँ भी हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वैनिटी फेयर इज ए नॉवल बाय विलियम मैकपीस थैगरी का बड़ा फेमस नॉवल है वैनिटी फेयर, नॉवल विदाउट हीरो, ये भी इसकी फेमस है। बात कर लेते हैं, वैनिटी फेयर इज एन इंग्लिश नॉवल बाय विलियम मैकपीस थैगरी विच फॉलोज द लाइव्स ऑफ बेक शार्प एंड अमेलिया शेडली अमिड देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द नेपोलियन वॉर्स। तो नेपोलियन वॉर्स की इसमें जिक्र मिलता है हमें। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 19th 9 वॉल्यूम मंथली सीरियल फ्रॉम 1847 टू 1848 कैरिंग द सब टाइटल, याद रखना फ्रेंड्स इसका सब टाइटल ये था, पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। इसने भी सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है इस वैनिटी फेयर में। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स बोथ इट्स स्टेराइजेशन ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड इन ए सिंगल वॉल्यूम इन 1848 विद द टाइटल सब टाइटल नॉवल विदाउट हीरो। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमिक प्ले राइट मेड फन ऑफ विक्टोरियन वैल्यूज एंड प्रिटेंशंस, तो इनमें से कौन सा था जिसने कॉमिकली फन बनाया इनका? तो ये था, एक तो ये और एक ये, ए डब्ल्यू एस गिलबर्ट एंड आर्थर सुलविन, और दूसरा है रॉबर्ट कोरिजन। जी भी शान ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है ये, और ये दूसरी बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड विक्टोरियन जर्नलिस्ट मीन बाय टर्मिंग सर्टेन वुमेन सरप्लसर एड्यूंडेंट, तो इसको देख लेते हैं। द रिमेंड अनमेरिड ड्यू टू ए पॉपुलेशन इम्बेलेंस बिटवीन द सेक्सेस, इसका मीनिंग है कि वुमेन सरप्लस हो रही थी, सेक्स रेशियो वो बढ़ रहा था। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि अनमेरिड रहने लगी कुछ वुमेन्स, और उन्हीं को इम्बेलेंस करने का ये तरीका था, जो जनसंख्या में सेक्स रेशियो बढ़ रहा था उसका पॉपुलेशन में। तो देख लेते हैं इसको, सरप्लस वुमेन इज ए फ्रेज क्वाइन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेफरिंग टू ए परसीव्ड एक्सेस ऑफ अनमेरिड वुमेन इन ब्रिटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज ए पोएम बाय अल्फ्रेड टेनिशन। बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड वॉज रिटन बाय द इंग्लिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन रिस्पॉन्स टू ए बैटल ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर, और क्रीमियन वॉर हुआ था इस डेट को 1853 से 1855। इन दिस बैटल ब्रिटिश कैवलरी यूनिट द लाइट ब्रिगेड वॉज कमांडेड टू चार्ज अगेंस्ट ए रशियन आर्टिलरी यूनिट, तो हमें पता चल गया कि ब्रिटेन और रशिया के बीच में ये वॉर हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट ऑर्डर वाज ऑलमोस्ट सुसाइडल, क्यों? क्योंकि इनके पास 600 सैनिक थे लाइट ब्रिगेड के पास, और इनके पास कितने थे? 400 सैनिक थे ब्रिटिश रशियन मिलिट्री के पास, तो इनके पास तो तलवारें थी, स्वॉर्ड्स थी, और 400 के पास गन्स थी, तो इसमें ना पेट्रोटिज्म फीलिंग्स थी ना वो अराउज करने के लिए ये सुसाइडल अटैक था, क्योंकि गन का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं होता स्वॉर्ड्स के साथ। एंड द ब्रिगेड वॉज डेसिमेटेड इन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड सेलिब्रेट्स द सेल्फ सेक्रीफाइस हीरोइज्म ऑफ कैवलरी मैन सजेस्टिंग दैट ब्रेवरी कंसिस्ट ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी इवन व्हेन इट लीड्स टू ऑलमोस्ट सर्टन डेथ। इनकी डेथ तो निश्चित थी, लेकिन ये वॉर इन्होंने जीता था, और इनके 200 सैनिक बचे थे 600 में से। ये काफी फेमस पोएम थी। हैथक्लिफ इज ए करेक्टर फ्रॉम, हैथक्लिफ एक करेक्टर है जो कि वुदरिंग हाइट्स में से है, और ये लिखा गया है एमिली ब्रॉन्ट के द्वारा। ब्रॉन्ट सिस्टर है वो, थ्री ब्रॉन्ट सिस्टर के नाम से फेमस है क्योंकि तीन बहनें हैं, तीनों ही नॉवलिस्ट हैं। वुदरिंग हाइट्स इज 1847 नॉवल बाय ब्रॉन्ट सिस्टर एमिली ब्रॉन्ट है, इनिशियली पब्लिश अंडर पेन नेम इलिस बेल, और ये इनिस बेल के नाम से पब्लिश हुआ था।
इट कंसर्न्स टू फैमिलीज लैंडेड जेंट्री लिविंग इन द वेस्ट यॉर्कशायर मूर्स, द अर्नशॉज एंड द लिंटन्स, एंड देयर ट्रिबुलेंट रिलेशनशिप विद द अर्नशॉज फोस्टर सन हैथक्लिफ। द नॉवल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म एंड गॉथिक फिक्शन। तो दोनों ही एलिमेंट्स आपको इस वुदरिंग हाइट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।